नमस्कार। जन सरोकार मंच लगातार प्रसारित करता रहा है अपने कार्यक्रमों की श्रृंखलाएं, और उन श्रृंखलाओं में एक श्रृंखला है कविता जब बोलती है। तो आज इस श्रृंखला में मैं भी अपनी भागीदारी निभा रहा हूं, अशोक सक्सेना, अपने कुछ ताजा रचनाओं के साथ। आशा है जैसा प्रोत्साहन, जैसा मार्गदर्शन मुझे सुधी पाठकों से, श्रोताओं से मिलता रहा है, आगे भी मिलेगा। तो मैं अपनी पहली रचना आपके सामने रखता हूं। मुझे नहीं मालूम मैं स्वयं ही उतरा हूं या मुझे उतार दिया गया है। मुझे नहीं मालूम मैं स्वयं ही उतरा हूं या मुझे उतार दिया गया है इस सूखे कुएं में। यहां बेचैनी इसलिए है कि जहन में अक्षर तो बिखरे हैं पर शब्द नहीं बना पा रहा। यहाँ बेचैनी इसलिए है कि जहन में अक्षर तो बिखरे हैं पर शब्द नहीं बना पा रहा हूं, और शब्द नहीं तो नाद नहीं। शब्द नहीं तो नाद नहीं, भाषा नहीं, अभिव्यक्ति नहीं तो प्रतिक्रिया भी नहीं। अंदर बाहर सिर्फ सन्नाटा है, अंदर बाहर सिर्फ सन्नाटा है, पर इस सूखे कुएं में भोर से पहले का झुरमुटी सा उजाला भी है। पर इस सूखे कुएं में भोर से पहले का झुरमुटी सा उजाला भी है, कहां से आ रहा है, पर है। ये उजाला कहां से आ रहा है, पर है, मैं कुछ देख पा रहा हूं, मैं कुछ देख पा रहा हूं। इस सूखे कुएं की दीवारों पर कुछ झाड़ियां सी उगी हैं। मैं कुछ देख पा रहा हूं कि इस सूखे कुएं की दीवारों पर कुछ झाड़ियां सी उगी हैं, हरी हरी सी। कुछ आवाजें आने लगी हैं चहचाटों की और गुटर, कुछ आवाजें भी आने लगी हैं चहचहाटें और गुटरगूं की, पंखों के फड़फड़ाने की। कुछ आवाज आने लगी हैं पंखों के फड़फड़ाने की। हाँ अब रोशनी बढ़ रही है, हाँ अब रोशनी बढ़ रही है। कुएं के तल में पड़े हैं कुछ कागज जिन पर कुछ लिखा भी है। कुएं के तल में पड़े हैं कुछ कागज जिन पर कुछ लिखा भी है। मैं प्रयास करता हूं उन्हें पढ़ने और समझने का। मैं प्रयास करता हूं उन्हें पढ़ने और समझने का। कुछ प्रेम पत्र जैसे ही है, कुछ प्रेम पत्र जैसे ही हैं जिसमें उलझी है कविता की पंक्तियां, जिसमें उलझी है कविता की पंक्तियां। सर उठाकर ऊपर देखता हूं, सर उठाकर ऊपर देखता हूं, ये नीला आसमान ही है। सर उठाकर ऊपर देखता हूं, ये नीला आसमान ही है। मैं कुएं की दीवारों से जड़े पत्थर, कुएं की दीवारों में जड़े आड़े तिरछे नुकीले पत्थरों के सहारे। मैं कुएं की दीवारों में जड़े आड़े तिरछे नुकीले पत्थरों के सहारे फिर से आ बैठा हूं इस कुएं की मेड़ पर, फिर से आ बैठा हूं इस कुएं की मेड़ पर। आपके सामने
दूसरी रचना रखता हूं। भावुकता के साथ साथ हमारी जो मानवीय प्रवृत्तियां हैं वो हमें बहुत कुछ दिशा देती भी हैं और दिशा भ्रमित भी करती है। ऐसी ही प्रवृत्तियों को लेकर मेरी कुछ रचनाएं आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं कि हम सच्चे ही थे, हम सच्चे ही थे एक दूसरे के प्रति, हम सच्चे ही थे एक दूसरे के प्रति, पर हम झूठ ही बोलते रहे, पर हम झूठ ही बोलते रहे सबसे अपने आप से भी, पर हम झूठ ही बोलते रहे सबसे अपने आप से भी, तुम भी मैं भी, पर हम झूठ ही बोलते रहे सबसे अपने आप से भी, तुम भी मैं भी, वैसे दोनों जानते थे, वैसे दोनों जानते थे हम एक दूजे के लिए सिर्फ दोस्ती से आगे, हम एक दूजे के लिए सिर्फ दोस्ती से आगे थे। अब जब भी कहीं भी, अब जब भी कहीं भी कोई करता है या कहता है, अब जब भी कहीं भी कोई भी करता है या कहता है तुम्हारी जैसी बात, अब जब भी कहीं भी कभी भी कोई करता है या कहता है तुम्हारी जैसी बात, गले की तरलता शुष्क होती है। जब भी करता है कोई तुम्हारी जैसी बात, गले की तरलता शुष्क हो उठती है, फांस सी अटक जाती है, गले की तरलता शुष्क हो उठती है और फांस सी अटक जाती है, आंख की कोर में उभर आती है बूंद, आंख की कोर में उभर आती है बूंद, बस उस बूंद की तरलता के लिए ही तो, बस उस बूंद की तरलता के लिए ही तो हम झूठ ही बोलते रहे अब तक, हम झूठ ही बोलते रहे अब तक हम तुम उस बूंद की तरलता के लिए। ऐसी छोटी सी छोटी रचनाएं हैं, बहुत छोटी रचना है कि जितनी ख्वाहिश है उतनी तन्हाई है, जीवन में जितनी ख्वाहिशें उतनी तन्हाइयां, बस चुनता रहा हूं सरगोशियां, जीवन में जितनी ख्वाहिशें उतनी तन्हाइयां, बस चुनता रहा सरगोशियां तुम्हारे होने न होने के बीच, बस चुनता रहा सरगोशियां तुम्हारे होने न होने के बीच, अब मैं झर रहा हूं, अब मैं झर रहा हूं झरने की तरह नदी हो जाने तक, अब मैं झर रहा हूं झरने की तरह नदी हो जाने, जितनी ख्वाहिशें उतनी तन्हाई। और सुनिए, कि गुजारी है पूरी रात उसने अंधेरी सुरंग से गुजरते हुए, गुजारी है पूरी रात उसने एक अंधेरी सुरंग से गुजरते हुए रोशनी की प्रतीक्षा में, गुजारी है पूरी रात उसने अंधेरी सुरंग से गुजरते हुए रोशनी की प्रतीक्षा में, अपनी सारी आशाएं समेत, अपनी सारी आशाएं समेत सूर्य की प्रथम किरण के स्वागत में, वह खिड़की से तकता रहा है तमाम दिन, वह खिड़की से तकता रहा है तमाम दिन, पर
खिड़की में दृश्य बदला ही नहीं। वह खिड़की से तकता रहा है तमाम दिन, खिड़की से दृश्य बदला ही नहीं। ऐसे हालात में वो तोड़ना चाहता है इसे एकाकीपन को। ऐसे हालात में वह तोड़ना चाहता है इसे एकाकीपन को, करना चाहता है एक संवाद। ऐसे में वह तोड़ना चाहता है इसे एकाकीपन को, करना चाहता है संवाद किसी आंख वाले के साथ। करना चाहता है संवाद किसी आंख वाले के साथ। नजरिया समझ रहे होंगे आप मेरी रचनाओं का। अन्य रचना है रूप यौवन का ही नहीं उम्र का भी होता है। रूप यौवन का ही नहीं उम्र का भी होता है। याद आते हैं तुम्हारे बुलावे, याद आते हैं तुम्हारे बुलावे, तुम्हारे भुलावे। याद आते हैं तुम्हारे बुलावे, तुम्हारे भुलावे। चेहरे पर उभर आई हैं जो रेखाएं, चेहरे पर उभर आई हैं जो रेखाएं, उन्हीं के बीच कहीं सो रहे हैं प्यार में भटकन के निशान। इन बिटवीन द लाइन्स, उन्हीं के बीच कहीं सो रहे हैं प्यार में भटकन के निशान। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है अब मिलने और ना मिलने, क्या फर्क पड़ता है अब मिलने ना मिलने में, जब मिलकर भी ना मिले हों हम। ये और बात है उम्र के हर मोड़ पर तुम सदा रूपाली सी लगी मुझे। उम्र के हर मोड़ पर तुम सदा रूपाली सी लगी मुझे। अब भी भरमा जाता हूँ देखकर तुम्हें, अब भी भरमा जाता हूँ देखकर तुम्हें। अन्य रचना है कि मीलों का सफर लम्हों में तय कर लेती है याद तुम्हारी। मीलों का सफर लम्हों में तय कर लेती है याद तुम्हारी। बहुत कुछ लौट आता है, बहुत कुछ लौट आता है, पर नहीं लौटता तो बस जीवन का स्वाद। मीलों का सफर लम्हों में तय कर लेती है याद तुम्हारी। बहुत कुछ लौट आता है पर नहीं लौटता तो बस जीवन का स्वाद। खुशी से पहचान भी धुंधला गई, खुशी से पहचान भी धुंधला गई है। हाँ अच्छा लगता है, हाँ अच्छा लगता है अनकहा अनसुना। हाँ अच्छा लगता है अनकहा अनसुना। हाँ मन करता है तेरी गली से गुजरने का, हाँ मन करता है तेरी गली से गुजरने का। न जाने कहां से उपजी है ये जड़ता, न जाने कहां से उपजी है ये जड़ता। बस जहां हूं वहीं ठहर गया हूं। न जाने कहां से जन्मी है ये जड़ता, बस जहां हूं वहीं ठहर गया हूं। छुअन जाग जाती है कभी कभी, छुअन जाग जाती है कभी कभी, तब मीलों का सफर लम्हों में तय कर लेती है याद तुम्हारी। तब मीलों का सफर लम्हों में तय कर लेती है याद तुम्हारी। एक प्रवृत्ति होती है इंसान की, खास करके मनुष्यों में देखी जाती है। ये मान लीजिए कि वो प्राकृतिक रूप से या सामाजिक रूप पर वो ऐसा ही गढ़ गया है कि उसकी प्रवृत्ति अलग है। उसकी एक छोटी सी हल्की सी प्रवृत्ति जो
कई जगह कई डायमेंशंस में बोलती है, उसको लेकर बहुत एक आसान कविता आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि बचपन में बिखरे खिलौनों को समेटते हुए मां जितनी बार झिड़कती उतनी ही बार मेरे सर पर हाथ फेरती। बचपन में बिखरे खिलौनों को समेटते हुए मां जितनी बार झिड़कती उतनी ही बार मेरे सर पर हाथ फेरती, अपने धोती के पल्ले से मेरे हाथ मुंह पोंछती, अपने धोती के पल्ले से मेरे हाथ मुंह पोंछती। युवा हुआ तो जिस लड़की से अपनत्व जुड़ा, जब भी वह घर आती मेरा बिखरा बुकशेल्फ, ड्रेसिंग टेबल, मेरे कपड़े सब कुछ करीने से रख जाती, सब कुछ करीने से रख जाती। कहती कुछ नहीं, आंखों से उलाहना देती, बिखरी चीजों को ठीक नहीं रखता। आंखों से उलाहना देती, बिखरी चीजों को ठीक नहीं रखता मैं। फिर पत्नी आ गई, वो मेरी तमाम बिखरी चीजों को से अधिकार समेटते हुए मुस्कुराती रहती। और मैं कभी नहीं सीख पाया बिखरे को समेटना, इस तरह की प्रवृत्ति है हमारी पुरुष वर्ग में कि हम बिखेरना जानते हैं, हमें वही अच्छा लगता है। अब इसमें कहीं हमारा दम भी है, कहीं अपनी प्रवृत्तियां भी हैं। अब मेरी अंतिम कविता है आज के इस सेशन की, छोटी सी है कि कहीं कहीं से छट गई है धुंध, कहीं कहीं से छट गई है धुंध, कोहरा भी छटा है। कहीं कहीं से छट गई है धुंध, कोहरा भी छटा है, सूरज भी बादलों के बीच से किरणों के साथ उतर रहा जमीन पर, ये सुखद सुख है, कि लोग अब दृश्यों को साफ साफ देख पा रहे हैं, पर इन साफ दिखाई देते दृश्यों में, इतना तो तय हो गया है, कि मानवता को धकेला जा रहा है बारूदी गंध की परिधि में, भय अभी मरा नहीं है, जुड़ा है किसी हुक्मरान की घोषणा से, तो आज के लिए मैं आपसे इतना ही समय दे पा रहा हूँ और आपका भी समय इतना ही लेना चाहूंगा। आशा है जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में हम और लोगों के साथ भी आपके संग जुड़ेंगे। आज के लिए